नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के कई कद्दावर नेता त्रिपुरा में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं अब पीएम मोदी ने भी शनिवार को एक रैली की। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर जमकर जुबानी हमला बोला। मोदी ने कहा, त्रिपुरा चुनाव की मेरी यह पहली जनसभा है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये खुशी और उत्साह सही मायने में बताता है कि विकास का ये डबल इंजन रुकने वाला नहीं है। सभी दिशाओं से मजबूत आवाज़ें हैं। फिर एक बार डबल इंजन की सरकार मोदी के विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने त्रिपुरा को विकास के मामलों में पीछे ढकेल दिया था, लेकिन हमारी सरकार सिर्फ 5 सालों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। मोदी ने आगे कहा, त्रिपुरा में पहले एक ही पार्टी को झंडा फहराने का इजाजत था, लेकिन आज भाजपा सरकार ने त्रिपुरा को भय, डर और हिंसा से मुक्त कर दिया। पहले त्रिपुरा में केवल वामपंथी कैडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अब हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पुलिस थानों तक पर एसपीएम कैडर का कब्जा था, लेकिन भाजपा सरकार ने राज्य में कानून का राज स्थापित किया। तो कैसी लगी तमाम जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।